राज्यरे बढ़ुनांती बाघ 2014 रे 28 थिला 2020 रे संख्या 28 चारि वर्ष रे राज्य रे बढ़िनी बाघों को संख्या देश रे बढ़िछि दुई गुण ओडिसा रे सुनो जंगल और वन्यजंतु संरक्षण रे विफल राज्य सरकार जातीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए रो रिपोर्ट रे ए तथ्य सामना को आसीछि एथिरु स्पष्ट हेउछि राज्य रे केते सुरक्षित बाघ ओडिसा रे वर्तमान 28 महाबल रहिछन्ति सिमिलिपाल और सातकोशिया रही 18 बाघ सिमिलिपाल 12 बाघ चलपचल होती क्यमेर कैद हो 8 बाघ से सातकोशिया मात्र गोटे बाघ रही 2018 रिपोर्ट कह 2006 पर कमी बाघों संख्या 2006 राज्य बाघ संख्या 45 2010 32 को खसी संख्या 2014 रे 28 रे पहुंचीला बाघों संख्या सेपटे सिमिलिपाल परिवेश नहीं मध्य चिंता बढ़ी उजुड़ा बसी परिवेश जंगल में कमी तृणभोजी संख्या सेपटे व्याघ्र संरक्षण सिमिलिपाल सुरक्षा और विकास वर्षक मिलूँ 12 कोटी टंका एनटीएस एथिरे राज्य सरकार अंश भी रही किंतु अनुदान को ठीक भाव खर्च कर राज्य सरकार एने ट्वीट करी प्रश्न उठाई बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंहार सेपटे अभियोग को खंडन एसटीआर उपनिर्देशक बाघ गणना पर फेज 4 मॉनिटरिंग शेष होघों गतिविधि सामना को आसी तेरे यह मध्यम बाघ संख्या को नहीं कौन आकलन करना से जंगल खेल अभियोग को खंडन कर 2012-2018 मध्य राज्य में 7 बाघों जीवन जापटे 2018 गणना अनुसार देश में बाघ संख्या बढ़ी 33 प्रतिशत किंतु ओडिशा रे बाघों संख्या को नहीं चिंता जाहिर करती जातीय व्याघ्र संरक्षण कर्तृपक्ष अतिरिक्त निर्देशक अनूप कुमार पटनायक ओडिशा सह छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वांचल में कमुची बाघ संख्या। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्गशॉटिंग।